इंद्री के कुंदन फार्म हाउस में पूर्व विधायक राकेश काम्बोज ने अपनी कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग कर सभी कार्यकर्ताओं की राय ली और रविवार को कांग्रेस पार्टी में जाने की घोषणा की। पूर्व विधायक राकेश काम्बोज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सोमवार को चंडीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में शामिल होंगे। गौरतलब है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में राकेश काम्बोज को कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिला था और उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर आजाद उम्मीदवार का चुनाव लड़ा था और तभी से कांग्रेस पार्टी से बागी चल रहे थे। उसके चलते विधिवत रूप से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का आज उन्होंने फैसला लिया है। कल जाएंगे जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से बात हुई है, उनकी कोठी पे जाएंगे 12 बजे, दोपहर को 12 बजे शामिल हो जाएंगे। अगर वह करेंगे तो बंदे करेंगे, फिर आप वापस आ जाएंगे। वैसे थोड़ी जा रहे हैं भाई, उनको मजबूती दिखेगी, दे देंगे नहीं देंगे। मेरे को सारी पार्टियों से ऑफिस वो कह रहे थे हम फलाने को मिलवा लेते हैं सीधे ही, बीच में इनकी जरूरत नहीं है, प्रभारियों की। मैंने कहा नहीं भैया, आप वहाँ कहीं नहीं जाते। और मेरे पास मैं क्या बताऊँ आपको, सारे भाई बात सुनो, अटका अचका बनाए थे, घर घर में कौन घूमेगा। मेरी कुल्ली भाषा टूट रही, मेरे को नहीं पता जी वो कांग्रेस पार्टी में है वो तो, और कहाँ जाएंगे वो, मेरे को कांग्रेस में रहेंगे या जाएंगे अपना कोई वास्ता नहीं उनसे। इंद्री से मेनपाल कश्यप की रिपोर्ट।